Hello students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with question number 2 of exercise 3.5. First part is ka, for which values of A and B does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? सबसे पहली चीज जो हम करेंगे infinite number of solution मतलब A1 upon A2 equal है B1 upon B2 के इक्वल है C1 अपॉन C2 के. ठीक है, यही होता है ना जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं. सो यहां पे देखो A1 अपॉन A2 2 A1 है, A2 क्या है x के साथ है a-b, इक्वल है B1 अपॉन B2 मतलब B1 क्या है 3 अपॉन में B2 क्या है a+b. ठीक है जी, इक्वल है C1 अपॉन C2, C1 क्या है उधर इमेजिन करो उसको हमने उधर भेज दिया. सो ये हो गया -7 और C2 ये पूरा हमारे पास C2 है. अगेन समझ लो इस पूरे ब्रैकेट को उधर भेज दिया तो माइनस का 3a+b-2. ओके जी, अब यहाँ पे आ जाओ इसका अगर हम करते हैं यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 2 मल्टीप्लाई होगा a+b से और 3 मल्टीप्लाई होगा a-b से. ये तो पता है ना, एंड इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ गया जी 2a+2b इक्वल्स टू 3a-3b. ओके जी, आप देखो सबको एक साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2a, यहाँ पे है +3 तो इधर आके -3a, देन +3b इधर भेजेंगे ना इक्वल्स टू 0. सो ये हमारा हो गया देखो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1 लेकिन माइनस का तो माइनस है, प्लस 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 ही रहेगा, 3 + 2 = 5b प्लस का एंड दिस इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है या तो आप इसको इसके इक्वल रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या इन दोनों को रख लो. अभी हम इन दोनों को रखते हैं. सो 3 upon a+b इक्वल है मेरा -7 upon इन ब्रैकेट क्या है हमारे पास -3a+b -3a+b -2 है शायद, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. हाँ जी -2 है. ओके जी, अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई. ये पूरा 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का है -3 एंड देन पूरे ब्रैकेट में जो था सेम लिख देंगे 3a+b-2 एंड सिमिलरली ये -7 मल्टीप्लाई होगा a+b से. ठीक है जी, -3 को इसे करेंगे 3 3 9a लेकिन माइनस का अगेन 3 × b करेंगे +−3b, देन 3 2 6 -± इक्वल्स टू -7a तो ये हो गया -7a प्लस, सॉरी प्लस पहले नहीं लगाएंगे क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -7b. ठीक है जी, सॉल्व करते हैं ए वाली टर्म्स इधर कर लेते हैं -9a ये -7a इधर आके +7a हो जाएगा, देन -3b ये -7b है इधर आके +7b हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे कॉन्स्टेंट +6 है उधर भेजोगे -6 हो गया. ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 7 माइनस कर दो 2 आ गया लेकिन साइन माइनस का, देन प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस कर दो 3 4 5 6 7 4 भी आ गया लेकिन प्लस का क्योंकि बड़े वाले के साथ प्लस साइन है इक्वल्स टू -6. सो नाउ आई हैव टू इक्वेशंस, एक तो ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन. अब यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको इन इक्वेशंस को किससे सॉल्व करना है तो सिंपल एलिमिनेशन से कर लेते हैं. पहले मैं दोनों इक्वेशंस को लिख लेती हूँ. ये है माइनस, कलर चेंज कर लेते हैं, -a+5b यहाँ पे लिख रही हूँ मैं या यहाँ लिखती हूँ -a+5b इक्वल्स टू 0. लेट्स क्रॉस चेक -a+5b इक्वल्स टू 0. सेकेंड इक्वेशन है -2a+4b इक्वल्स टू -6. अब जब हमें एलिमिनेशन से करना होता है या तो हम a सेम बना देंगे या b सेम बना देंगे, तो इस केस में a सेम बनाना बहुत आसान है. ये 2a है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. सो फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, मेंशन भी करना पड़ेगा
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2. क्या इक्वेशन मिलेगी? माइनस 2a एंड देन 2 को 5 से करोगे, 5 2 10b प्लस का इक्वल्स टू 0 ही रहेगा. ठीक है ना जी, ये आ गई थर्ड इक्वेशन. अब थर्ड और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 2, दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं. ये है हमारे पास माइनस 2a प्लस 4b इक्वल्स टू माइनस 6, और जो नई इक्वेशन आई है दैट इज माइनस 2a प्लस 10b इक्वल्स टू 0. अब देखो जरा, अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, हमें इसको करना है कैंसिल, मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, साइन चेंज होंगे. ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और ये तो वैसे जीरो ही है बट स्टिल यहाँ पे माइनस हो जाएगा. ओके जी, ये दोनों हो गया कैंसिल. प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6b, लेकिन माइनस का इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 6 आएगा, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है. माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, बी इक्वल्स टू मेरा आ गया 6/6, मतलब बी इक्वल्स टू आ गया 1. ओके जी, सो ये हमारी वैल्यू आ गई बी की. अब बी की वैल्यू इक्वल्स टू 1 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो. सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1. फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? माइनस ए प्लस 5b इक्वल्स टू 0. माइनस ए प्लस 5b इक्वल्स टू 0. सो माइनस ए प्लस बी, अभी हमने निकाला 1 है इक्वल्स टू 0. माइनस ए प्लस 5 1 5 इक्वल्स टू 0. माइनस ए इक्वल्स टू हो जाएगा, हम 5 को उधर भेजेंगे माइनस 5, माइनस ए माइनस कैंसिल, ए इक्वल्स टू हो गया 5. सो क्वेश्चन में हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी थी. ए हमारा आया है 5 और बी हमारा आया है 1. ठीक है जी, सो दोनों की वैल्यू हमने निकाल दी. ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. अभी इसमें एक और पार्ट है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वीडियो.